देख लीजिए, अभी तक चल रहा है, मतलब रूम जा सकता हूँ, यहाँ तक आ गया। तो भाई लोग गुड मॉर्निंग। तो मैं सोचा बहुत दिन से वीडियो नहीं बनाया, तो एक भाई ने मैसेज किया था कि भाई आप स्कूटी लेके करते हो, कितना बचता है। तो मैं अभी तक पेट्रोल नहीं डाला है, तो आज रिपब्लिक डे है, तो और एक पूरा वीडियो देखना, पूरा वीडियो बहुत दिन के बाद बना रहा हूँ। सोचा कहीं घूमने जाऊँगा तब जाके बनाऊँगा वीडियो। और जोमेटो के बारे में तो सब डिटेल्स अपलोड कर चुका हूँ, तो आज शेड्यूल है और हफ्ता का है, वो भी पूरा दिखा दूंगा। और आज काम करूंगा 12 से 3 बजे तक, 4 बजे तक है, लेकिन एक गिग से अभी कैंसिल कर दूंगा, 3 बजे तक करूंगा। उसके बाद रूम पे आऊंगा, नहाऊंगा खाऊंगा, उसके बाद फिर 7 बजे से 3 बजे तक करूंगा रात आज, ठीक है। तो आज लंच और डिनर का जो इंसेंटिव है वो ऐड हो जाएगा, लेकिन आज नहीं होगा, वो वीकली पेमेंट में होगा। जैसे कि मंगलवार को हम लोग का होता है पेमेंट, और जो आप जो डेली जो इनकम होता है वो भी उठा सकते हो। तो मैं तो हफ्ता में जो ऐड होता है वही मैं डेली नहीं उठाता हूँ, हफ्ता में मेरा अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो आपको आज इंसेंटिव वगैरह दिखा दूंगा, और आज पेट्रोल डाला नहीं, डाल कितना डालता हूँ और कितना कमा पाता हूँ वो भाई को भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो मैं जो बल्टी वगैरह होता है लगभग 2500 मिल जाता है, वो उसमें प्लस हो जाता है, मतलब पेट्रोल का खर्चा निकल जाता है। और जो आप कमा पाते हो 1200 या 1300 या 1500, वो आपका ही रहता है, ठीक है। तो आपको दिखा देगा, अभी लॉगिन करके एक किक्स भी कैंसिल करना है, और किक्स के लिए कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो आपका जो वीकली इंसेंटिव होता है वो माइनस हो जाएगा, वो नहीं मिलेगा किक्स अगर अनकम्प्लीट रह गया तो। तो अभी 2 घंटा पहले एक किक्स कैंसिल कर देता हूँ। और आप देख सकते हो बड़ा पास हो गया, इसलिए बड़ा का वो नहीं दिखा रहा है, और 3-4 बजे तक गए थे, लेकिन 3 से 4 बजे तक जो है वो कैंसिल मार दे रहा हूँ, 2 घंटा पहले मानना पड़ेगा, नहीं तो मेरा इससे वीकली जो इंसेंटिव है वो माइनस हो जाएगा, नहीं मिलेगा। तो 2 घंटा पहले मैं कर देता हूँ, लेकिन कैंसिलेशन करने से 5 रुपया देने पड़ेगा। ये तो कैंसिल हो गया, तो 12 से 3 बजे तक करूँगा और 7 से 12 बजे तक, ठीक है। तो एक भाई ने मैसेज किया था ये आप स्कूटी लेके कितना कमाते, तो आप देख लिया भाई कि अगर आप पूरा हफ्ता काम करते हो सिटी पेट्रोल का जो आप डेली 300 रुपया खर्चा होता है, 300 रुपया जो खर्चा होता है वो मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 1750, यहाँ पर 700, और ये लगभग यहाँ पर और भी हो गया इंसेंटिव, लगभग सोच लो आप हर हफ्ता 2500 जोमेटो से एक्स्ट्रा मिलता है। आप देख लिया इंसेंटिव वगैरह, मतलब पूरा हफ्ता अगर मैं काम करूँगा तो लगभग 2500 जैसे इंसेंटिव ऐड होगा, ठीक है। तो आप अगर पार्ट डे 300 रुपये खर्चा होता है तेल में, तो हाँ वो वीकली इंसेंटिव में आपका ऐड हो जाता है, जो पेट्रोल का खर्चा होता है वो निकल जाता है। तो वो खर्चा देंगे तब भी आप 1200 करके पकड़ोगे तो 36000 आपका पूरा सेव होता है, ठीक है, ऑयल छोड़ के। ऑयल का खर्चा तो निकल जाता है वीकली इंसेंटिव में लगाना, अगर आप पूरा टाइम बढ़िया से काम करोगे तो 12 से 2 बजे तक, 7 से 12 बजे तक लंच और डिनर कंप्लीट करोगे, तो अगर फुल टाइम करते हो तो वीकली इंसेंटिव में पेट्रोल का ऐड हो जाता है। अगर पार्ट टाइम करोगे तो ये इंसेंटिव वीकली इंसेंटिव जो होता है वो कम्प्लीट नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो अभी लॉग इन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि अभी तक पेट्रोल नहीं डाला, अभी जस्ट निकलो लॉग इन करके निकलूँगा, 300 रुपये पेट्रोल डालूंगा, वो भी बिल दिखाऊंगा, ठीक है। तो मेरे पास कैम देखते हैं फास्ट ऑर्डर कितना आता है, आप देख सकते हो यहाँ पर मेरा फास्ट ऑर्डर आ चुका है 122, ठीक है। तो रिटर्न वगैरह मिला के शायद 150 का बाद जाएगा, तो देखते हैं कितना होता है। तो मेरा फास्ट ऑर्डर आ चुका है, तो अभी गाड़ी निकलता हूँ, निकल के चल पर लगभग 122 रुपये का बहुत बड़ा ऑर्डर है, तो ये देते हैं जाके 3 बजे। तो देख सकते हो मेरा गाड़ी स्टार्ट कर चुका हूँ अभी, और ये ऑयल एकदम नहीं है, थोड़ा है जस्ट, ठीक है, ये देख सकते हो। और ये आज 1448 रन कर चुका हूँ, और ये ऑयल भी देख सकते हो। अगर ये भाई ने जो कमेंट किया हुआ अगर वीडियो देखेगा तो देख लेना भाई कितना डालता हूँ और कितना कमाता हूँ और कितना बचता है, ठीक है। तो अभी डालूँगा ऑर्डर लेने के बाद 300 रुपये, और बिल दिखाऊँगा आपको। ऑर्डर डिलीवरी कर चुका हूँ, तो देखते हैं कितना मिलता है। हाँ, तो 122 मेरा ऑर्डर का ही है, और ये रिटर्न पैकेज लगभग कितना हो गया,
ऑर्डर है मेरा अभी तक रेडी नहीं हुआ है। तो फास्ट ऑर्डर में देख लिया, लगभग 144 मिला है मुझे और ये पास में है, ज़्यादा दूर नहीं। तो अगर मैं आज 9 से 11 बजे तक करता है या फिर 1 घंटा रेस्ट लगे 12 से, तो भी रेस्ट लगे 7 से 9, तो लास्ट 5 बार आज कम कर सकता था 2000। ठीक है, तो इतना ज़रूरत नहीं है, मुझे ऐसे ही मिल रहा है 185। बट लेकिन लॉगिन रहना पड़ेगा, ऑर्डर चाहे मिले या ना मिले लॉगिन रहना पड़ेगा। तो आज देखते हैं, अभी तक पेट्रोल नहीं डाला हुआ, तो देखते हैं कितना इनकम कर पाता हूँ आज, और आपको दिखाऊंगा कितना आज अर्निंग कर पाता हूँ। ठीक है, तो अभी तक तो मेरा 3 नंबर ऑर्डर है, जैसे तो दो ऑर्डर है एक पर। ठीक है, दो ऑर्डर लगा हुआ है मेरा, जो 3 नंबर ऑर्डर आया था MJX2 ऑर्डर, उसको बोलते हैं मालती ऑर्डर, तो दोनों डिलीवरी कर चुका हूँ। इधर टाइम देख सकते हो, देर बजा नहीं है अभी तक, मैं 12:10 को लॉगिन किया हूँ और अभी 1:24 हो गया, तो इसको डिलीवरी कर चुका हूँ। तो मारते हैं कितना होता है इस ऑर्डर में, दो डिलीवरी कर चुका हूँ। तो वैसे तो रिटर्न पर 6 रुपये मिल रहा है, तो इसमें 2 ऑर्डर मिला कि 130 रुपये मिल रहा है। ठीक है, तो 4 ऑर्डर कंप्लीट कर चुका हूँ, तो अभी आया हूँ यहाँ पर चाय पीने के लिए, चाय पीते हैं, 3 बजे तक काम करना है। अभी तो ऑर्डर आया नहीं, तो मैं जोन पे ही यहाँ पर चाय पीता हूँ, चाय पी के नेक्स्ट ऑर्डर पर चलते हैं और लास्ट तक देखते हैं। अभी तक गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला हुआ, टाइम नहीं मिला, तो अभी डालूंगा ये ऑर्डर देने के टाइम में, अभी आएगा तो। ठीक है, अभी ये चाय पीता हूँ, भाई ने चाय बना लिया, तो ये चाय पी के नेक्स्ट ऑर्डर पर चलते हैं। फर्स्ट नंबर ऑर्डर है, उधर चाय पीते पीते ऑर्डर पर लग गया है, अभी तक गाड़ी में पेट्रोल डाला नहीं, तो अभी लगभग 2 बजने वाला है, तो ये ऑर्डर देते हैं फर्स्ट नंबर ऑर्डर, और नेक्स्ट ऑर्डर कितना आता है देखा था। ₹43 और इधर हो गया 41। नेक्स्ट ऑर्डर पर चलते हैं, ये मेरा पाँच नंबर ऑर्डर है। तो ये 5 नंबर ऑर्डर आ चुका है, लोग देख भी है, ये भी छोटा ऑर्डर है, छोटा ऑर्डर किया अभी तक यहाँ पर है। दोपहर को 12:10 को लॉगिन किया, अभी तक किया था, और पहले कितना था 19,444 समथिंग था, अभी 74 हो गया, अभी तक चल रहा है। तो अभी वो सामने पेट्रोल पम्प है, तो यहाँ पेट्रोल डाल के ये ऑर्डर रिसीव करते हैं। ठीक है, 300 डालूंगा, और कितना टाइम चलाता हूँ और कितना कमाता हूँ वो दिखा दूंगा। हाल डाला था 300 रुपये, अभी तक चल रहा है। तो और एक ऑर्डर लग चुका है, देख सकते हो दो ऑर्डर है। और दो ऑर्डर एक साथ आया, और ये बिल भी है, दिखा देता हूँ, ये देख सकते हो, डेट है 26/1/2023 और एक 151 हो रहा है। ठीक है, और ये प्राइस दे सकते हो 300। ठीक है, 300 रुपये डाला है, और ये पेट्रोल अभी तक फुल नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि 102 रुपये रेट है। तो दो ऑर्डर एक साथ है, एक ऑर्डर रिसीव कर चुका हूँ, एक ऑर्डर रेडी नहीं हुआ है, तो 100 का ऊपर ही है, और 2 बजने वाला है, तो डाला है। तो ये 300 डाल के कितना अर्निंग कर पाता हूँ देखना, और ये बाइक का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। फुल टाइम करोगे तो कितना पेट्रोल डालना पड़ता है, कितना अर्निंग होता है, वो सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो तक चुका हूँ, तो देखते हैं दोनों मिला के कितना मिलता है। ₹5 रिटर्न 110। ठीक है, लगभग अभी तो ये मेरा लास्ट ऑर्डर है, तो दिखा दूँगा लास्ट ऑर्डर में कितना मिला। जब फर्स्ट ऑर्डर जो आया है सेम बिल्डिंग, और लास्ट ऑर्डर में ही सेम बिल्डिंग सेम जगह में आया हूँ, और वीडियो पूरा देखना। ये ऑर्डर देके रूम जाऊँगा, नहाऊँगा, काम कर, उसके बाद सोऊँगा, 7 बजे फिर निकलूँगा। देख सकते हो गोइंग ऑफलाइन आफ्टर दिस ट्रिप, डिलीवरी कर चुका हूँ, देखते हैं कितना मिला है। हाँ, ये मैं थर्सडे है ना, 26 जनवरी, आधा हो चुका है, और 7 बजे जब लॉगिन करूँगा कंप्लीट करूँगा तो ये कंप्लीट हो जाएगा 185। तो ये अभी नहीं जुड़ेगा, जब पेमेंट देगा मंगलवार को जुड़ेगा ये। तो देख लिए लास्ट ऑर्डर मेरा, हाँ शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, 3 घंटा काम किया है, तो अभी जाके नहाऊँगा, खाऊँगा, रेस्ट लूँगा, 7 बजे भी निकलूँगा, और कितना अर्निंग होता है आप लोग को दिखाऊँगा लास्ट में। ठीक है, तो उसका फ्लैट है यहाँ पर, और मेरा नीचे गाड़ी रखा हुआ है यहाँ पर,
और यहाँ से निकलूँगा, अभी निकल के रूम जाऊँगा। लिफ्ट भी आ चुका है, रूम पे आ गया, गाड़ी भी पार्क कर चुका हूँ। लगभग 3:45 हो रहा है, अभी खाना खाऊँगा। और जैसे तो 300 का पेट्रोल डला था, एक सेकंड ऑन करता हूँ। तो यहाँ तक आए और 300 का डाला था वहाँ तक था, अभी यहाँ पर है। तो देखते हैं ये 300 डाल के कितना कमा पाता हूँ। ठीक है, फिर से लॉगिन हो चुका हूँ, 7:10 में लॉगिन हो चुका हूँ। ऑनलाइन में हूँ शायद, अभी ऑर्डर आया नहीं, तो ऑर्डर जब आएगा तो मैं दिखा दूँगा। और बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, तो आप लोग को एक दो 3-4 ऑर्डर दिखाऊँगा और सिर्फ मूवमेंट पूरा दिखाऊँगा। और लास्ट तक देखना मेरी अर्निंग कितना गया। रिक्वेस्ट है ये वीडियो भाई, आप भी देख सकते हो मेरा ऑर्डर आ चुका है 67 लगभग 6 किलोमीटर पकड़ लो, मेरे पास है तो रिसीव करते हैं। और यहाँ टाइम देख सकते हो 7:13 हो रहा है, मेरा 7:10 को लॉगिन किया, 7:13 में आ गया ऑर्डर। तो अभी गाड़ी वगैरह निकल चुका हूँ और 3 बजे आया खाना वाना खा के, लगभग 6:30-4 बज गया। तो रेस्ट भी ले लिया, अगर चाहता तो 5 बजे तक करता, आज अर्निंग भी बहुत कर सकता था, मतलब 2000 तो कन्फर्म था। लेकिन छोड़ो, ये इंसेंटिव मिला के मेरा हो जाएगा जो टारगेट है, तो आप देखना और लास्ट तक वीडियो काट के नहीं देखना, पूरा वीडियो देखने रिक्वेस्ट करता हूँ। अगर अच्छा लगा और मेरा वो बाइक को भी पता चल जाएगा कि 300 रुपये डाल के कितना अर्निंग कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जाते हैं, ये ऑर्डर लेते हैं। दोपहर को डाला था, लगभग 3-4 ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद पेट्रोल डाला था 300 का, अभी तक चल रहा है। तो ये अभी तक पूरा रात चलना है, ठीक है, मतलब 3 बजे तक चलना है। कम से कम 100 का तो चला गया होगा, लगभग 200 है, तो देखते हैं 300 में कितना अर्निंग होता है। जैसे तो मैं अभी ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, तो मुझे जाना है सीधा, ठीक है, तो वहाँ पर रेड सिग्नल दिखाई दे रहा होगा, इस तरफ जा रहा है और मैं सीधा जाना है। और यहाँ पे इधर एक सिग्नल मिलेगा, आगे जाके और दो सिग्नल, तो ऐसे जाते हैं। जैसे ट्रैफिक की वजह से बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मेरा सेकेंड ऑर्डर आ चुका है 67 लगभग, तो ये अभी जाके डिलीवरी करूँगा, लेकिन अभी ट्रैफिक में फंस गया, ठीक है। तो 9 बजे तक ऐसे ही चलेगा, थोड़ा स्लो हो जाएगा, बाद में 9 बजे के बाद थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये देखो तो बहुत लफड़ ट्रैफिक। तो 2 नंबर ऑर्डर डिलीवरी कर चुका हूँ, तो 8:03 हो रहा है। सिक्सटी 69 मिला, ठीक है, तो मतलब मैं 7:10 को लॉगिन किया, अभी हो रहा है 8:04 के अंदर, मतलब मैं 2 ऑर्डर कंप्लीट किया हूँ। ये सेकेंड ऑर्डर देखिए, चाय पीने लगा और ये ऑर्डर लग गया, तो आप लोगों को दिखा दूंगा ऑर्डर, तो दिखा दिया कितना 100 का ऊपर है। तो ऑर्डर डिलीवरी करने के बाद कितना आता है वो दिखाऊंगा, और संडे का गिफ्ट कैसे बुक करते हैं हम लोग एडवांस, वो भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये 3 नंबर ऑर्डर है, लगभग 8:30 बुक है, तो ये ऑर्डर डिलीवरी कर देते हैं लोकेशन में। तो आ गया, तो देखते हैं कितना होता है। तो इसमें मिल गया लगभग 121 रुपये, और ये 9 बजे नहीं, अभी तक 8:42 है। तो संडे का गीस कैसे बुक करता हूँ दिखाता हूँ, ये है सैटरडे नाइट में करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया 12:03-4 बजे तक करूँगा, फिर 7 से 9:10-12, ठीक है। तो ऐसे गिग्स बुक करते हैं, तो इधर इंस्टेबिल दे सकता 15-30 दिखा रहा है, क्लियर। तो ऐसे गिग्स बुक करते हैं हम लोग, तो 9 नहीं बचा है, तो 9 अभी तक बचा नहीं। तो अभी यहाँ पर बहुत अभी अंदर आया, अभी कम टाइम भी हाथ पहुँचा, और देख वो दिखा है ट्रैफिक वगैरह रहता है रात में, मतलब 7 से 9 बजे तक ट्रैफिक बहुत रहता है, ठीक है, उसके बाद कम हो जाता है और स्पीड भी बढ़ जाता है काम से, ठीक है। तो लगभग धीरे से अगर काम करोगे तो 100 ही, मैं इतना स्पीड पर काम नहीं करता, धीरे से क्या करता हूँ। तो अभी ट्रैफिक वगैरह दिखा है आपको इतना रहता है। ऑर्डर भी डिलीवरी कर चुका हूँ, अभी जाते हैं नेक्स्ट ऑर्डर पर। और गिग्स दिखा दिया कैसे बुक करते हैं, संडे का बुक करके दिखा दिया, और इस ऑर्डर में मिला लगभग 120 का, कम टाइम में इसे डिलीवरी किया। तो अभी नेक्स्ट ऑर्डर पे चलते हैं, और डिलीवरी किया हूँ 3 नंबर, जो ये देख सकते हो फ्लैट है, ये देख सकते हो कितना बड़ा बड़ा फ्लैट है। तो मैंने दिया
इस पर है बिल्डिंग को, ठीक है। तो ये ऊपर है अभी, वो मतलब नीचे और एक भी फ्लोर है, तो मैं मतलब ऊपर बेसमेंट में हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये ब्रिज है, तो ये ब्रिज से मैं जा रहा हूँ अभी। नीचे और एक फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, गाड़ी उड़ी पार्क करने के लिए। ऊपर भी सेम है, गाड़ी उड़ी पार्क कर रहे हैं। यहाँ से निकल जाएंगे बस, हो गया। तो ये मेरा 4 नंबर ऑर्डर है, और आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये ऑर्डर तो ले लूँगा, लेकिन प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। ये मरीना मॉल में जाओ, उसके बाद ये मांडे का ये तो कंप्लीट कर चुका हूँ। और आज का जो बताया जो इंसेंटिव है, ये देखिए 185 मेरा कंप्लीट हो चुका है। 12 से 2 तो किया है, और 7 से 9 ये 185 मेरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये पेमेंट जो ये 185 ऐड होगा मंगलवार को, ठीक है। मंगलवार को मेरा ये ऐड होगा, ठीक है, ये मंगलवार को ऐड होगा। इसमें मालूम नहीं है, आधा तो किया है, शायद भी मिल सकता है, आधा है दिखा रहा है। 120 में जो दिखा रहा है ना, तो 60 रुपये मिल सकता है प्लस। तो इसमें कंप्लीट हो चुका है 185। तो ये जाते हैं, ये ऑर्डर लेते हैं। ये मरीना मॉल मतलब गाड़ी में, गाड़ी पार्क करो, उसके बाद पैदल जाके मॉल का ऊपर उठो, बहुत प्रॉब्लम है। 3 नंबर जो ऑर्डर दिया है आप लोगों को दिखाया, तो मैं सोचा गाड़ी 9 बजने दो, 9 तो बज गया है, तो यहाँ मैं सोचा ऑर्डर नहीं लेगा, तो रेस्ट ले लेते हैं। तो ऑर्डर आ चुका है, तो जो ऑर्डर आया है ये मरीना मॉल है, बहुत बड़ा मॉल है, तो ऊपर गाड़ी में जाकर पार्क करना पड़ता है, उसके बाद पिक लेना होता है। और आप लोग को दिखा दिया कि मेरा 185 जो है वो कम्प्लीट हो चुका है, ठीक है, वो अलग सा एक्स्ट्रा है वो। तो और जो और एक दिखा है 120 रुपया, वो भी मिल सकता है 60 रुपया, वो दिखा रहा है, आधा दिखा रहा है। तो अभी जाते हैं, वो ऑर्डर लेते हैं। तो ऑर्डर लेके और वीडियो स्क्रीन में नहीं दिखा, आप लोग को लास्ट में दिखा दूंगा एक एक ऑर्डर में मुझे कितना मिला और एक एक घंटा में कितना कमाया, ठीक है। तो वीडियो में पूरा बने रहना, और जाते हैं अभी ऑर्डर लेने के लिए। ऑर्डर करके ये बेसमेंट से जा रहा हूँ, फिर लिफ्ट पकड़ना पड़ेगा, लिफ्ट से जाना पड़ेगा। ये मॉल है बहुत बड़ा, 2nd फ्लोर जाना है मुझे, तो बहुत दूर, 100 मीटर के ऊपर होगा, पैदल जाना पड़ता है, फिर लिफ्ट पकड़ के ऊपर जाना पड़ता है। तो दिखाता हूँ आपको जाके ऊपर है मुझे, पहले गाड़ी पार्क करो, उसके बाद 150 मीटर पैदल आओ, उसके बाद लिफ्ट पकड़ो, उस फ्लोर 2nd फ्लोर जाओ, उसके बाद जाके ऑर्डर लो। ये पूरा मॉल है, देख सकते हो, पूरा रिपब्लिक डे है, तो तिरंगा भी लगा हुआ है, और ये नीचे पूरा सजा हुआ है। मैं ऊपर आके ऑर्डर लिया है, अभी जाना है ये ऑर्डर लिया। तो डिलीवरी कर चुका, तो देखते हैं इसमें कितना मिलता है। मेरा अर्निंग कितना हुआ है, तो अभी हो रहा है 3.325, ठीक है। तो अभी तक पेट्रोल चल रहा है, तो ये देखते हैं। 26 तारीख 1265 कमाया उधर, प्लस 3 तारीख है दादा, अभी ऑलरेडी एक ऑर्डर है लगभग 100 रुपया है, तो ये 1200 300 हो गया है, 1500 और 65 और 38 लगभग 1500 98 मतलब 1598 रुपीज़ कमाया, प्लस इंसेंटिव दिखाता हूँ आपको। आज मेरा जो इंसेंटिव है ये मांडे का, ये तो कंप्लीट है, ये थर्स्ट डे आज जो मैं बताया आपको रिपेयर को 185 प्लस 120, ठीक है। तो लगभग हो गया 120 और 185, ठीक है। तो कितना हुआ है 185 प्लस 20 305 प्लस 1598, तो आज लगभग कमाया 1903 रुपये, ठीक है। 300 रुपये पेट्रोल लग गए, कमाया 1903 रुपये। अभी तक ये ऑर्डर एक है, वो देखे रूम चला जाऊँगा, अभी हो गया 3:30, ऐसे टाइम पे ऑर्डर लगा, क्या बताऊँ, ये ऑर्डर देखे ही रूम जाना पड़ेगा। तो ये तो मेरा जो वीकली सेटिव है संडे को ही कंप्लीट होगा, लेकिन ये 12:10 को लॉगिन किया, 12 से 2 बजे तक कमाया 440, उसके बाद 2 से 3 बजे तक कमाते 100
40 और ये 3 बजे से 4 बजे तक था जो गिग सब कैंसिल मारा है, ये पहले ही 2 दिन पहले कैंसिल किया है, ठीक है। फिर 7 से 9 to 57, 9 से 10 92, ये 10 से 11 या एक भी ऑर्डर नहीं मिला है, मतलब मिला है उसमें जाके ऐड हुआ, ठीक है। 12 बजे वन लेकिन इनकम्प्लीट है, ये दोनों लगभग 2000 ही कमा लिया सर, इसीलिए पूछ लीजिए। डिवाइड कर चुका हूँ, ये देख सकते हैं 4:15 हो रहे हैं। लास्ट ऑर्डर में कितना मिलता है देखते हैं। नहीं दिखा रहा है, यहाँ जाके दिखाई देता है, दिखाई देगा इस 70 और प्लस 18 88 रुपीज़ मिला है इसमें, तो मेरा अर्निंग कितना हुआ है, उधर 26 तारीख को दे सकते हैं 1265 और उधर हो गया 427 और मेरा इंसेंटिव जो है 120 एक इंसेंटिव मिला है और ये 1 फिर लगभग 300 इधर इंसेंटिव है और इधर हो गया 1200 और 400 हो गया 1698 मतलब 1698 उधर 300 मतलब 2000 आज इनकम किया है 11 घंटा ड्यूटी करके। फाइल देख लीजिए अभी तक चल रहा है, मतलब रूम जा सकता हूँ, यहाँ तक आ गया, 300 डाला है, 2000 कमाया, लगभग 2000 कमा के 300 छोड़ के मेरा आज अर्निंग हुआ है 2000 और 300 माइनस करने से सोच लो 400 ही माइनस करो 1600, ठीक है ठीक है। तो लोग मेरा इंसेंटिव जो है 2100 रुपये और तो 2500 में बोला है, तो आज इंसेंटिव मिला लगभग मेरे को 300 लेके 2000 कमाया, 300 अगर छोड़ दोगे तो 1600 रुपये बचता है। तो मैं सोचता हूँ कि मेरा भाई का आज डाउट क्लियर हो जाएगा, तो अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और आपका दोस्त के साथ शेयर करना और मेरा जो, तो भाई मैं शिफ्ट कंप्लीट हो गया तो मैं जाऊँगा रूम जाके सोऊंगा, लगभग आज 11 घंटा काम किया है लेकिन 2 घंटा अनकम्प्लीट दिख रहा है, इसके लिए मैं टीम लीडर से बात करूँगा। तो आज 300 रुपये डाल के लगभग इंसेंटिव मिला के 2000 कमाया 11 घंटा में, तो 300 रुपये छोड़ के भी मेरा 1600 बच गया। तो ये जोमेटो में फुल टाइम अगर आप करोगे तो 1500 में पहले ही बताया 1500 8 दिन कमा पाओगे, और जो मेरा जोन है वहाँ से मैं बहुत दूर आया हूँ तो यहाँ जाते जाते बहुत लेट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो बनाऊंगा मैं जब कैमरा लाऊंगा, दूसरा नया एक जगह जाने के लिए प्लान है, और आपको बताया कि आपको चेन्नई घुमाऊंगा और प्रॉमिस किया है वो भी निभाऊंगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना और आपका दोस्त के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय।